अच्छे अच्छे गेंदबाज सचिन के आगे दम तोड़ देते हैं या अच्छे अच्छे गेंदबाज सचिन के आगे हार मान लेते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस का सही ट्रांसलेशन क्या होगा? फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां हम कहते हैं कि कोई इंसान हार मान लेता है, या कोई इंसान दम तोड़ देता है, या कोई इंसान झुक जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम कहते हैं कि कोई इंसान झुक जाता है, हार मान लेता है या दम तोड़ देता है, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम सकम टू का यूज करते हैं और सकम टू का पास्ट फॉर्म सकम्ड टू होती है। जैसे फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो अच्छे अच्छे गेंदबाज सचिन के सामने दम तोड़ देते हैं, या सचिन के सामने झुक जाते हैं, या सचिन के सामने हिम्मत हार जाते हैं, तो आप कहेंगे इवन गुड बॉलर्स सकम्ड टू सचिन। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो ब्रेडली ने बहुत अच्छा किया लेकिन वह सचिन के सामने झुक गया, या वह सचिन के सामने दम तोड़ दिया, या वह सचिन के सामने हार मान लिया, तो आप कहेंगे ब्रेटली डिड हिज बेस्ट बट ही सकम्ड टू सचिन। तो फ्रेंड्स, जब आपको अपनी लाइफ में कहना हो कि कोई इंसान किसी के सामने झुक जाता है, हार मान लेता है, या उसके दबाव में आ जाता है, तो आप प्रेजेंट टेंस में सकम्ड टू और पास्ट टेंस में सकम्ड टू का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जाम्पल में समझे। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो ही सकम्ड टू माई इंसिस्टेंस, तो इसका मीनिंग हुआ कि वह मेरी जीत के आगे हार मान लिया, या वह मेरी जीत के आगे दम तोड़ दिया, या वह मेरी जीत के आगे मजबूर हो गया। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो ही सकम्ड टू हिज इलनेस, तो इसका मीनिंग हुआ कि वह अपने बीमारी से दम तोड़ दिया, या वह अपने बीमारी के आगे झुक गया, या वह अपने बीमारी के आगे हार मान लिया। अगर लिखा हो आई सकम्ड टू माई पॉवर्टी, तो इसका मतलब हुआ मैं अपने गरीबी के सामने झुक गया, या मैं अपनी गरीबी से हार मान लिया, या मैं अपने गरीबी से दम तोड़ दिया। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो सी सकम्ड टू कैंसर, तो इसका मीनिंग हुआ कि वह कैंसर से दम तोड़ दी, या वह कैंसर के सामने झुक गई, या हार मान ली। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि सकम टू मीन्स झुक जाना, या दम तोड़ देना, या हार मान लेना, और सकम्ड टू इसका पास्ट फॉर्म है जहां हम कहते हैं हार मान लिया, दम तोड़ दिया, या झुक गया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह कॉन्सेप्ट शानदार तरीके से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। फिर मिलेंगे एक नए लेसन में, तब तक के लिए बाय।